होता है कि ये नॉलेज जो है क्यूम्युलेटिव होता है, आप जो सारे लोग बैठे हो आप लोगों सब का नॉलेज डिफरेंट है, और आप में से कई ऐसे लोग होंगे जिनका मकसद आप जो अपने डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, हो सकता है वो मेरा सब्जेक्ट ना हो और उसमें आप उससे तो सौ दर्जा अच्छे हो, ठीक है ना। अब ये होता है, हम PhD करते हैं तो PhD अगर आप लाइब्रेरी में जाएँ तो PhD का इतना सा एक कॉर्नर होता है वो उसमें बुक्स पड़ी होती है, हम कहते हैं जी बड़े फाड़े मार लिए हमने PhD करके, ऐसी बात नहीं है, नॉलेज बहुत वसी है, ठीक है ना। और ये आपकी एक आदत होती है कि आप अगर फर्ज करें अपने फेसबुक पे भी थोड़ा टाइम दे रहे हैं या मोबाइल पे दे रहे हैं चीज़ों दे रहे हैं, आप चीज़ें स्किम करके मसलन आपने अपना कोई साइंस का पेज लाइक किया हुआ है, कोई इस तरह की चीज़ें लाइक की हुई हैं, कोई इकबाल की पोइट्री वाला पेज है उसको आपने लाइक किया, आपको अच्छा शेयर कहीं से मिल गया है तो आपने उसको लिख लिया कि अच्छा यार ये फलानी जगह पे काम आ सकता है, ठीक है ना। एजुकेशन से रिलेटेड है या मोटिवेशन से रिलेटेड कोई है तो आप वो लिख लेते हैं, तो क्या एक दफ़ा लिख लेने से याद होगा, उसको आप कभी कभी यूज़ भी तो करें ना, ठीक है ना, तो तब वो आप होगा। इसी तरह से हदीस पाक है, कुरान शरीफ की कोई कोटेशन है जो आते हैं तो उनको भी आप लिख रहे हो हिस्ट्री के हवाले से,